प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब इस पे क्या बताना, जरा ये देख ही लीजिए। आइए, बीजेपी वाराणसी 72%, कांग्रेस 15% और वोट जो तय नहीं है 8.59%। लेकिन अब आज रामनवमी पर जब भगवान राम का सूर्य तिलक हो रहा था उस वक्त ये देखिए, अब आप प्रधानमंत्री मोदी भी इस क्षण के साक्षी बने। ये देखिए, असम के नलवाड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान अपने विशेष विमान में उन्होंने इस पल को देखा, प्रधानमंत्री मोदी, ये देखिए जरा। और इस दौरान उन्होंने अपने जूते भी उतारे हुए थे, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से अपने आईपैड पर प्रधानमंत्री मोदी, ये देखिए किस तरीके से ये देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं, आपको याद होगा प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर थे, और उसके बाद आज सूर्य तिलक, रामनवमी का मौका, 12 बजे जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है कहा जाता है। और ये देखिए तस्वीरें। लेकिन जब आप बात करें वाराणसी की सीट की, हमने बात की, बताया कि कैसे बीजेपी बहुत आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वहां पर, लेकिन क्या है उसके भीतर, यानी जो वाराणसी की सीट है उसके भीतर जो विधानसभाएं हैं वहां क्या स्थिति है, देखिए बिल्कुल कंफर्टेबल ये सीट है बीजेपी के लिए, बहुत गाढ़ा रंग है, बहुत गाढ़ी जीत भी होगी। और देखिए ये यहाँ पर जो वोट प्रतिशत है वो भी आप देखिए, जो तमाम विधानसभाएं, और देखिए हम बार बार आपको ये बताते हैं कि हमारा ओपिनियन पोल कैसे अंतर है इसका, क्योंकि आप अपनी विधानसभा में क्या हो रहा है वो भी जान सकते हैं। देखिए रोहानिया की जो विधानसभा है वहां पर 72.16% वोट मिल रहा है शिव, और इसी तरह से देखिए वाराणसी नॉर्थ में सारी, बिल्कुल बिल्कुल सारी 60% से ज्यादा है, और कोई और पार्टी आसपास में नहीं है। 20% असेंबली में सबसे ज्यादा सेवापुरी में मिल रहे हैं एनसी को, बाकी और कोई पार्टी यहाँ पे ज्यादा वोट नहीं ले पा रही है। अनडिसाइडेड भी इतना नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट कुछ बदल पाए, अभी के हिसाब से यही है। बट हम ये सेफली इस सीट पे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए ही हैं।